नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर में पूछा जाने वाला है। यहाँ से संभावित एक से दो क्वेश्चन निश्चित रूप से मान के रखिएगा कि एक से दो प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो याद रख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन या संभावित हो सकता है दो से तीन क्वेश्चन भी पूछे जाने की एक संभावना बनी रहती है। तो याद कर लीजिएगा, एकदम डिट्टो रटना है आप लोगों को, कुछ नहीं इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। डूइंग बिजनेस की, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। सबसे पहली रैंक है, इसको जारी करने वाला कौन है? इसको जारी करने वाला वर्ल्ड बैंक है। कौन जारी करता है इसको? आपके इज ऑफ डूइंग बिजनेस को आपके वर्ल्ड बैंक जारी करती है। पहला पॉइंट याद रख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? इसको प्रथम स्थान आपका न्यूजीलैंड ने प्राप्त किया है। अंतिम स्थान इसका किसने प्राप्त किया है? आपके सोमालिया ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है। और याद कर लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर यह आने वाला है कि भारत की रैंकिंग क्या है इसमें। तो भारत की रैंकिंग इसमें 63वीं रैंकिंग है। ये याद रखिएगा कि 19 दिखा रहा है और इसका रिलीज जो किया गया है वो 2020 में रिलीज किया गया है, मतलब 21 के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2018 में यदि हम बात करते हैं, 2018 में जो आया था ये, इसकी रैंकिंग थी 2018 में 17वें पायदान पे भारत था ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस में। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में भारत वर्तमान स्थित जो है वो 63वें स्थान पे। और राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में प्रथम स्थान आपका जो आता है वो आंध्र प्रदेश का आता है। देख लीजिए, पहला स्थान आपका न्यूजीलैंड का है। इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। बस पहला पूछा जाता है। दूसरी बात, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे आसान तरीके से व्यापार या बिजनेस करने का कहां पर स्थान है? तो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, और उसके बाद झारखंड है। याद रख लीजिएगा, झारखंड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो जारी करने वाला यह वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, हिंदी में इसे कहते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 38वां स्थान है भारत का। अब यहां पर बात करते हैं भारत के प्रथम स्थान की, बात करते हैं इनोवेशन इंडिया में प्रथम स्थान किसका है यदि इस रैंक में देखें तो आपका प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। अंतिम स्थान किसका है? यमन का है। अंतिम स्थान यमन का है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोगों से पूछा जाने वाले प्रश्न है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 2020 में इसका 48वां स्थान है। 2020 में इसका कौन सा स्थान है? 48वां स्थान है। 19 में भारत का स्थान 52वां था। तो 19वां और 20वां आप लोगों से संभावित प्रश्न पूछा जा सकता है। हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो यहां पर याद रखिएगा कि हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है UNDP। जारी कौन करता है? UNDP, याद रखिएगा, बस इतना ही। इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को इसके डीप में नहीं जाना है। UNDP इसको जारी करता है। सबसे प्रथम स्थान किसका मिला, किसको मिला है? नॉर्वे को। यदि प्रथम स्थान की बात करें तो यहां पर नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला हुआ है। प्रथम स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है। और भारत का स्थान की बात करते हैं तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? यहां पर 100 हंगर रिपोर्ट, ठीक, भारत का स्थान क्या है आप लोगों ने देखा, भारत का स्थान, ठीक, भारत का स्थान 2020 में याद कर लीजिएगा 121
33वां स्थान है और 2019 में भारत का इसमें स्थान था 129वां स्थान था। कौन सा स्थान? 29वां स्थान था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत का 131वां स्थान है इंडिया का यहां पर, ठीक। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अब इसके आधार कई बार पूछ लेता है कि इसका आधार क्या हो सकता है, तो इसमें आधार भी याद रख लीजिएगा कि आपकी प्रति व्यक्ति आय की बात करता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, तो यहां से ये पूछता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, साक्षरता या साक्षरता, साक्षरता के आधार पर बात करता है, और इसके बाद आपकी बात करता है जीवन प्रत्याशा की। किसकी बात करता है? जीवन प्रत्याशा की, कि आपकी प्रत्याशा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि इन तीन आयाम, तीन स्तंभों के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दुनिया में सबसे, अगर खुशहाली की रिपोर्ट देखें तो कौन सा स्थान भारत का है खुशहाली सूचकांक में? पॉइंट बना लीजिएगा इसको कि खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान, खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान याद रखिएगा। इसमें तो सबसे पहला स्थान किसको मिला है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि सबसे पहला स्थान इसमें किसको मिला है, आपको फिनलैंड को इसमें सबसे पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है, वो फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसको कौन जारी करता है, प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, तो यूएन, यूएनएसएसडी M, UNDSN, N है ना, N9 वाला N है ये, ठीक है। तो UNSSDN ने इसको जारी किया है, ठीक। ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है, याद रख लीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है। भारत की बात करते हैं, भारत खुशहाली में कौन से स्थान पर है, तो भारत खुशहाली की रैंकिंग में वर्तमान 2000 में 139वें स्थान पर है। कितने हैं? 139वें स्थान पर है। और सबसे नीचे की बात करें यदि हम, कि सबसे नीचे कौन है, तो अफगानिस्तान आपका सबसे नीचे की रैंक में आपका स्थान लिए हुए है, 149वां। सबसे अंतिम स्थान की बात करें, अंतिम स्थान खुशहाली में, स्थान खुशहाली में 149वें स्थान पर आपका कौन है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान याद रख लीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में आपका क्या है, इस समय जो कंडीशन है अफगानिस्तान की, वो भी एक बनी हुई है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, वर्ड प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं इंडेक्स में, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसको जारी करने वाला देश कौन है, इसको जारी कौन सी संस्था करती है, ये जान लीजिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स, ठीक। तो इसको पारित करने वाली संस्था है, जो कहां पर स्थित है ये भी याद रख लीजिएगा कि ये पेरिस में स्थित है। कहां पर? पेरिस में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, पेरिस में स्थित है। इसमें जारी करने वाली विदाउट बॉर्डर्स पेरिस, इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। भारत को इसमें 142वां स्थान प्राप्त है, 142वां स्थान भारत को प्राप्त है। याद रख लीजिएगा कि भारत का स्थान 2000 है आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, कौन सा स्थान है? 142वां स्थान है, याद रखिएगा इसमें 142वां। यहीं पर आपका पाकिस्तान की बात करते हैं जब हम लोग, तो पाकिस्तान का भी याद कर लीजिए कि वो बेकार आदमी आपके पास कहां पर है, तो 142वां आपका है और 145वां स्थान इस पाकिस्तान का भी है, याद रखिएगा,
ठीक है। तो यहां पर कुछ और है, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम में आपकी कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 121वां स्थान है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 139वां स्थान है, आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 84वां स्थान है भारत का। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यह जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के आधार पर भारत का स्थान। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करते हैं तो भारत का स्थान 2020 में 112वें स्थान पर है और था आपका 2021वें में 21वें में इसका क्या है 140वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। 28 अंक नीचे गिरा है, 28 स्थान भारत नीचे चला गया है किसमें, आपके ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के आधार पर, याद रख लीजिएगा इसमें। और इसमें आपका पूरा का पूरा यदि देखें तो यहां पर भारत है, यहां पर आपके 65वें स्थान पर बांग्लादेश है, 105वें स्थान पर आपका नेपाल है, श्रीलंका की भी स्थिति आपसे अच्छी है, मालदीव की भी अच्छी है, भूटान की भी अच्छी है, ठीक है, और नल्ला पाकिस्तान जो है आपका वो है 153 स्थान पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा आपकी वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं। 2020 वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं, इसको जारी करने वाला इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, इसको जारी जो करता है। इसमें भारत का स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला स्थान आपको नॉर्वे ने आपका प्राप्त किया है, पहला पॉइंट यह है कि नॉर्वे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इसमें 51 रैंक पर स्थित है, इंडिया इसमें 51 रैंक पे स्थित है, और आपके आसपास के पड़ोसी देश श्रीलंका 69 है, बांग्लादेश 80 में है, 91 में भूटान है, 92 में नेपाल है, 108 में पाकिस्तान की सिचुएशन है, और सबसे नीचे की यदि बात करें तो नॉर्थ कोरिया यहां पर सबसे नीचे है। अंतिम स्थान की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे नीचे स्थित है। उत्तरी कोरिया कितने 167वें स्थान पर उत्तरी कोरिया स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडियाज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडियाज इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का याद कर लीजिएगा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं तो वहां पर बेंगलुरु का प्रथम स्थान है, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य की या आप जिले की बात करते हैं तो वो कौन सा है, शिमला आपका है, जिसमें 10 लाख से कम लोग रहते हैं वहां पर शिमला का प्रथम स्थान है, और यहां पर बेंगलुरु एक 10 लाख से अधिक लोग जहां पर रहते हैं वहां पर रहने वालों के लिए बेहतर सबसे बेहतर है वो कौन है, प्रथम स्थान पर बेंगलुरु 10 लाख से अधिक, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला एरिया की बात करेंगे तो वहां पर आपका शिमला दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर 10 लाख से कम वाली सिचुएशन पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक याद रखिएगा, इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, ग्रीन वॉश संस्था है, कौन सी है, ग्रीन वॉश संस्था इसको जारी करती है, जारी करने वाली ग्रीन वॉश संस्था, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये देखिए इसको जारी करने वाली संस्था ग्रीन वॉश संस्था है। इसमें भारत के स्थान की यदि हम बात करते हैं कि भारत का हर साल जारी होती है, ठीक, भारत का इसमें स्थान 10वें नंबर पर है, भारत का इसमें स्थान 10वें नंबर पर है, याद रखिएगा कि इसमें पहला दूसरा और तीसरा किसी भी देश को कोई स्थान
स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें किसी भी देश को कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चौथे स्थान की बात करते हैं, फोर्थ सिचुएशन में कौन है, स्वीडन है आपका, स्वीडन चौथे स्थान पर स्वीडन है, और दसवें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की बात करते हैं। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आपकी, इसको जारी करने वाला बेल्ट हंगर हिल्फे संस्था है, बेल्ट हंगर हिल्फे संस्था, बेल्ट हंगर हंगर हिल्फे हिल्फे संस्था संस्था के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे आते हैं, भारत का स्थान कौन सा है, भारत का इसमें स्थान 94वां भारत का स्थान है, भारत का स्थान 94 है, और देश कितने लिए गए, 107 देशों में से भारत का स्थान 94 है। सबसे नीचे की बात कर लेते हैं, सबसे ऊपर की बात पहले कर लेते हैं, सबसे प्रथम स्थान किसको मिला है इस पे, तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि भारत का स्थान कौन सा है, 94 स्थान है, और सबसे अंतिम स्थान किस देश को मिला है, वो है चाड। चाड आपका सबसे अंतिम स्थान पर है, अफ्रीका का राष्ट्र है चाड, इसमें भारत अंतिम स्थान चाड को मिला है, और चाड कौन सा स्थान होगा, 107 स्थान चाड का होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जारी करने वाला आपका बेल्ट हंगर हिल्फे संस्था जर्मनी के द्वारा जारी किया जाता है, याद रख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा भारत की 14% आबादी को पूरा पोषण प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसके द्वारा, करप्शन पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की बात करते हैं, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, इसको जारी करने वाली संस्था की बात करते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टा चार धारणा सूचकांक कांक, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भारत का यदि सबसे कम की बात करें कि सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है, कौन सा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, तो यहां पर याद कर लीजिएगा, पहला कौन है, डेनमार्क है, पहले स्थान में डेनमार्क स्थित है, फर्स्ट रैंक किसको प्राप्त हुई है, इसमें डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड की बात करते हैं, सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सोमालिया और सूडान है, कौन है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी देश, भ्रष्टाचारी देश कौन है, देश सोमालिया, सोमालिया और सूडान है, सूडान याद रख लीजिएगा, ये अफ्रीकन देश है सोमालिया और सूडान, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो भारत का स्थान याद कर लीजिएगा, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 86वां स्थान, 86वां स्थान भारत का है 2020 के अकॉर्डिंग, भारत का स्थान क्या है आपका, 86वां स्थान है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, हेनली पासपोर्ट का इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 84वां स्थान है, कौन सा स्थान है भारत का, 84वां स्थान है, 84वां स्थान है हेनली इंडेक्स के अकॉर्डिंग, याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्थान इसमें पूछा जाता है, सबसे पहला स्थान किसका है, तो सबसे पहला स्थान इसमें किसका है, जापान का है, याद रखिएगा। सबसे पहला स्थान यदि देखें पासपोर्ट के मामले में, सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है, तो वो जापान का है, और सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करेंगे तो वो सबसे कमजोर पासपोर्ट जब हम बात करते हैं तो यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर पासपोर्ट, पासपोर्ट पोर्ट किसका है, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का
सबसे कमजोर जो है वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल फायर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंडेक्स में भारत का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की बात करेंगे तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रदूषित प्रदेश, सबसे प्रदूषित जिला है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि कौन से देश की राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो उसमें भारत देश की राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा प्रदूषित आपके देश की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, कोविड वायरस सूचकांक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोविड वायरस सूचकांक, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। कोविड वायरस सूचकांक में भारत के स्थान की बात करें तो यहां पर याद कर लीजिएगा कि ये पहली बार 2021 में जारी हुआ है। इसको जारी करने वाली लॉबी इंस्टीट्यूट्स ऑस्ट्रेलिया ने इसको जारी किया है। जारीकर्ता कौन है, कर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया इसको जारी करने वाली कौन है, लॉबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। और इसमें भारत का स्थान, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का स्थान की बात करते हैं तो यहां पर भारत का 86वां स्थान है 98 देशों में। भारत का कौन सा स्थान है, 86वां स्थान है 98 देशों में। प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान की बात करते हैं, फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो प्रथम रैंक में कौन है, न्यूजीलैंड है, प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है। और अंतिम स्थान की बात करते हैं तो लास्ट पोजीशन में यदि हम बात करें, लास्ट स्थान में कौन है तो वह ब्राजील है, याद रख लीजिएगा लास्ट स्थान पर कौन है, ब्राजील है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आज हम लोगों ने इंडेक्स की क्लास को समाप्त किया है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पर।